हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो हम आ गए हैं आज, आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि मैम आप नवेदिका बसु इंस्पायर कसौटी जिंदगी का सारे ड्रिपिंग करिए। सो हम आप लोग के लिए रिक्वेस्टेड है, आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी वीडियो देखना है वो आप लोग कमेंट में बताइए, तो हम लोग कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आप लोग के लिए डेडिकेटेड रिक्वेस्टेड वीडियो हम लेकर आ गए हैं, कसौटी जिंदगी का सारे ड्रिपिंग बताएंगे कि कैसे नवेदिका बसु साड़ी डिपिंग करती हैं। सो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि बॉर्डर वाली साड़ी जैसे तात में हो या सिल्क में हो या कॉटन में हो, ज़्यादातर ये वाली साड़ी जो बॉर्डर वाली होगी उसी साड़ी में ये लुक क्रिएट करना ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसे कि तात में हैवी बॉर्डर होती है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की साड़ी आप वेयर करेंगे तो प्रॉपरली अच्छे से डिपिंग हो जाएगी। एंड आजकल का नया ट्रेंडिंग फैशन भी नवेदिका बसु स्टाइल ही आया साड़ी डिपिंग का। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है वीडियो आप लोगों का पूरा हुआ, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो चलिए जाते जाते बोलना चाहेंगे कि और भी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, नो वेस्ट के अलावा और भी कमेंट करिए, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। चलिए ज़्यादा। सो गाइस, यहाँ पे साड़ी डिपिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सैंडल वेयर करेंगे और पेटीकोट डाल लेंगे, जैसा कि मैं डाल चुकी हूँ। और चारों तरफ से पेटीकोट में सबसे पहले सबको पता है कि टक कर लेना रहता है, इजली थोड़ा सा लो में रखेंगे पेटीकोट को और इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से टक कर लेंगे। उसके बाद रफली यहाँ पर हम प्लेट बना रहे हैं अभी, बस प्लेट को राइट साइड रखने के लिए, और बस प्लेट इस तरह से रफली बना के और प्लेट को इधर घुमाकर और आंचल जिस साइड से आप लेते हैं उल्टा पल्ला में, उसके बाद गाइस यहाँ पे रफली प्लेट बना के और आंचल को देख लेना है सामने लाके कि कितना, थोड़ा सा नवेदिका बसु इंस्पायर्ड साड़ी डिपिंग करना है तो आंचल इसमें थोड़ा सा बड़ा रखना रहता है। उसके बाद अब हम करेंगे नीचे वाला प्लेट को अरेंज, और आंचल आप देख सकते हैं जैसा कि घुटने से नीचे हम रखे हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आप नीचे प्लेट करेंगे, पहले एक पिन से नीचे की तरफ सिक्योर कर लेंगे, उससे क्या होता है चुन्नट अच्छा आता है साड़ी में। उसके बाद फिर प्लेट एडजस्ट करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं साड़ी को खींच के एक पिनअप लगाने से काफ़ी अच्छा से परफेक्ट बॉडी फिटिंग साड़ी आता है। तो इस तरह से एक पिन से सिक्योर कर ले सबसे पहले। यहाँ पे गाइस आपको प्लेट बहुत मायने रखता है कि एक प्लेट को प्रॉपर हाथ से सिक्योर करेंगे, अरेंज करेंगे और खींच के बराबर से लेकर आएंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हाथ के हेल्प से। थोड़ा सा प्रैक्टिस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ में, क्योंकि ये कॉटन मिक्स तांत जैसी साड़ी है तो थोड़ा सा फलक भी रही है। तो इस तरह से एक एक प्लेट को देख लेंगे कि कोई छूटा तो नहीं है, और हर एक प्लेट को प्रेस करके और एक लास्ट में एक पिन से आप चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं या अंदर से ये ज़्यादा सिक्योर रहता है कि आपको दिखता नहीं है अभी, तो यहाँ पे लास्ट में प्लेट को सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से आप सारी ड्रिपिंग प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगी। गाइस फर्स्ट टाइम हम प्लेट को रफली फोल्ड करके रख लिए थे कि आंचल कितना लेना है, अब प्लेट को अच्छे से फिर से अरेंज कर लेंगे, क्योंकि तांत मिक्स साड़ियाँ हैं तो आपको लास्ट में आपको नवेदिका बसु इंस्पायर बनाना है। तो इस तरह से प्लेट को अच्छे से एडजस्ट करके उसके बाद पिनअप करके थोड़ा सा झुका टाइप से, मतलब थोड़ा सा लंबे में, अगर आपको अगर नहीं बन पाए तो राइट साइड कंधे पर रख, जैसा कि हम सीधा पल्ला जिसको साड़ी बोलते हैं रख के, और सिक्योर आराम से हो जाता है, इजली पकड़ में आता है, और एक पिनअप कर देंगे इस तरह से। राइट कंधे पर रखने पर पिन प्लेट जो होता है ना वो एक एक पकड़ में अच्छे से आ जाता है, और धीरे धीरे हम सारे प्लेट को इस तरह से पकड़ के एक पिनअप कर दिए ताकि थोड़ा सा स्टाइलिश और हेल्पफुल हो जाए। तो इस तरह से आप प्लेट बनाने का एक ईजी तरीका है गाइस कि आप राइट साइड कंधे पर रख के कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद गाइस यहाँ पे पीछे से खींच के लाएंगे साड़ी को, देख सकते हैं कमर के साइड से जाएंगे पीछे के साइड से खींच के और यहाँ पे कुछ टाइटली खींच के, और यहाँ पे जो साड़ी एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको आगे वाले प्लेट में पिनअप कर देंगे अंदर के तरफ से टक करके। तो ये लो वेस्ट साड़ी एक तरफ से हो सकता है, और
कह सकते हैं इसको अनावेद का बसूस कसौटी जिंदगी की सारी डिपिंग स्टाइल, और आजकल लेटेस्ट सारे ट्रेंडिंग में इस तरह के स्टाइल चल रही है, ये भी कर सकते हैं। तो ये सो गाइस लास्ट में ब्लाउज में एक पिन से सिक्योर कर देंगे प्लेट को, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्लेट बना हुआ है। तो इस तरह से पिन से सिक्योर करने पर आप फ्री रह सकते हैं। और इस तरह से ये कुछ रहा मेरा फाइनल नवेद का बसूर इंस्पायर साड़ी लुक। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हुआ ये फाइनल साड़ी लुक, और इस तरह से कोशिश कर सकते हैं आप लोग भी। सो गाइस तो देख सकते हैं ये मेरा कुछ फाइनल लुक है नवीद का बसु इंस्पायर। तो हम एक उसके साथ एक रेड बिंदी प्रेफर किए हैं बड़ा सा। तो आप कभी भी लुक क्रिएट करें तो एक रेड बिंदी एक बड़ा सा चौकर अगर आपके पास हो, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। एंड उसके अलावा आप चूड़ा वगैरह वेयर कर सकते हैं जैसा चूड़ी आपको पसंद आता है। सो इस तरह से आप साड़ी डिपिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर से फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, अच्छे से कमेंट करके बताएं, नॉट बैड कमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल से जाने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।